रतलाम जिले के आलोट में बैंक मैनेजर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मैनेजर ने राशि लोन स्वीकृत कराने के लिए मांगी थी। पीड़ित की शिकायत के बाद उज्जैन लोकायुक्त ने बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मामला रतलाम के आलोट का है। किसान बालू सिंह रेवड़िया निवासी ग्राम भीम ने उज्जैन लोकायुक्त को शिकायत की थी। उसने बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से किसान क्रेडिट कार्ड लोन की राशि स्वीकृत कराई थी। जब यह राशि निकालने पहुंचा तो बैंक मैनेजर मांगीलाल चौहान ने लोन स्वीकृत कराने के नाम पर 15,000 रुपए मांगे। शिकायत पर शुक्रवार को लोकायुक्त की टीम ने योजना बनाई और बालू सिंह को 10,000 रुपए देकर बैंक भेजा। दोपहर में बालू सिंह ने बैंक मैनेजर को जैसे ही रुपए दिए तभी निरीक्षक राजेंद्र वर्मा, बलवीर सिंह यादव व टीम ने मैनेजर को पकड़ लिया। मैंने केसीसी लोन करवाया था जबकि 2.71 का पास हुआ था मेरा। उनने 7% मांगे थे, बाद में हमारे तोड़ हुआ। 10,000 15,000 मांगे थे, 15,000 मांगने के बाद में 10,000 में तोड़ हुआ, जो कि आज देने की बात थी। दे दिए पैसे आपने? पैसे दे दिए हमने और उज्जैन से लोकायुक्त की टीम आई, उनने रंगे हाथ पकड़ लिया। क्या इससे पहले और भी लोगों के द्वारा यहाँ पर लेन देन हो चुकी है मैनेजर के साथ में? हुई होगी, मेरे साथ में हुई है तो सभी के साथ में हुई होगी लेन देन। तो जब ऐसे रिश्वत मांगी गई थी तो क्या आपने लोकायुक्त में सूचना करी थी? सूचना करी थी, मैंने उज्जैन गया था, लोकायुक्त में सूचना करके आया था। आप खाताधारक है बैंक के? बैंक के खाताधारक हूँ और तीन महीने से परेशान हो रहा था, फोन आ रहे थे। फिलहाल लोकायुक्त पुलिस ने बैंक मैनेजर से रिश्वत की राशि जब्त कर ली है और बैंक मैनेजर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम भाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्राइम भाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।